हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल टेक्नोस्ट्रेजी में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है रेडमी 9i। तो फ्रेंड्स, आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और दोस्तों देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आपको न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वाले वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, Redmi 9i का बॉक्स पैकेजिंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ऊपर में लिखा हुआ है इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड मेड इन इंडिया, और फोन हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। नीचे में दोस्तों यहाँ पे देखिए Redmi 9i लिखा हुआ है, और बॉक्स के साइड में दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनों तरफ Redmi 9i लिखा हुआ है। और नीचे में दोस्तों कुछ भी नहीं है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे सार वैल्यू प्राइस कलर वगैरह मेंशन किया हुआ है, तो इसे छोड़ते हैं। और फोन के पीछे की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए Redmi 9i लिखा हुआ है सबसे ऊपर, और 4GB रैम मिल जाता है इस फोन के अंदर, और दो वेरिएंट में अवेलेबल है, जो कि 64 और 128GB वाला स्टोरेज मिल जाता है रोम जो है, और 5000mAh का बैटरी मिल जाता है इस फोन के अंदर, और मीडियाटेक हीलियो G25 प्रोसेसर मिल जाता है। मेरे पास 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट है ब्लैक कलर में। तो फ्रेंड्स इसे अनबॉक्स करते हैं। और दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपको फ़ोन देखने को मिल जाएगा। तो फ़ोन को निकाल लेते हैं अभी बाहर और दोस्तों दिखाते हैं कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स यहां पे फ़ोन की डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है। यहां पे आप देख सकते हैं फुल्ली ब्लैक कलर में है, और कैमरा के साथ साथ एक लाइन आ जाता है जिसके अंदर Redmi लिखा हुआ है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहां पे देख पा रहे हैं, मेरे पास है मिडनाइट ब्लैक कलर। इसका और दो कलर अवेलेबल आता है, जो है नेचर ग्रीन और सी ब्लू। तो दोस्तों उसमें आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगा डिज़ाइन के मामले में। ब्लैक में दोस्तों यहां कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फ़ोन के नीचे एक बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सिम इजेक्टर पिन है, और देख लेते हैं कवर है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक मैनुअल बुक है, और कोई भी कवर नहीं मिलता है इस फ़ोन के साथ। और आगे बॉक्स कंटेंट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक डाटा केबल मिल जाता है, जो कि मैक्रो USB डाटा केबल है। ओके, और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो हमें चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिलता है वो 5V 2A का चार्जिंग एडाप्टर मिलता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फ़ोन का। तो फ़ोन दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला दिन से कोई भी स्किन प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है फ़ोन के अंदर। जो भी रहता है दोस्तों ऊपर एक लेयर रहता है, जिसे मैं हटा दिया अभी। और दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे HD+ डिस्प्ले दिया गया है इसमें, जो कि 6.53 इंच का डिस्प्ले है। और डिस्प्ले में दोस्तों यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगा, जिसके अंदर 5MP का सेल्फी कैमरा लगा हुआ है, और उसी के जस्ट ऊपर में दोस्तों यहाँ पे एयर स्पीकर और सेंसर वगैरह भी देखने को मिल जाता है। और फ़ोन की बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिल जाता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैट फिनिश के साथ आता है। इसमें दोस्तों आपका 3 कलर मिल जाएगा, मेरे पास ब्लैक कलर है। और यहाँ पे कैमरा के साथ साथ एक नीचे लाइन आया है, जिसके अंदर दोस्तों Redmi लिखा हुआ है। और कैमरा की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल कैमरा दिया हुआ है एक LED फ्लैश के साथ, और एक ही कैप्सूल के अंदर ये दोनों मिल जाता है, जो कि 13MP का मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ़ोन की पोर्ट्स की बात करें तो डाउन में दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले प्राइमरी माइक देखने को मिल जाता है, मैक्रो USB पोर्ट दिया गया है चार्ज करने के लिए, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। फ़ोन की राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 बटन देखने को मिल जाता है, जो कि है पहला यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन है, और यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम अप एंड डाउन स्विच देखने को मिल जाता है वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने के लिए। फ़ोन की ऊपर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ आपको एक हेडफोन जैक मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी माइक नहीं मिलता है, और यहाँ पर एयर ब्लास्टर जो रहता है रिमोट वो आपको इस फ़ोन में नहीं देखने को मिलेगा। और फ़ोन के लेफ्ट साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ सिम ट्रे देखने को मिलता है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों सिम ट्रे को बाहर निकाल के देख लेते हैं कौन सा सिम ट्रे दिया गया है। तो यहाँ पे ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसमें आप 2 नैनो सिम और 1 SD कार्ड आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और फ़ोन की टच एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी फास्ट टच रिस्पॉन्स है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी मस्त वर्क करता है और काफ़ी स्मूथ भी है। तो अब बात करते हैं कैमरा का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैमरा में आपको कुछ इस तरीके का MIUI 12 वाला इंटरफेस मिल जाता है, प्रो मोड मिल जाता है, वीडियो मोड मिल जाता है। और वीडियो मोड में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 720p पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps में। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि फोटो का है, पोर्ट्रेट मोड है। और मोड के ऑप्शन में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम लैप्स और स्लो मोशन का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहीं दोस्तों आप लोगों के साथ कुछ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैं इसी फोन के रियर और फ्रंट कैमरा से लिया हूं। और फ़ोन की ताकत की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पहले दिन से MIUI 12 देखने को मिल जाता है, मीडियाटेक का हीलियो G25 प्रोसेसर मिलता है, एंड्रॉयड 10 के साथ आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलता है।
और यहीं पे फ़ोन की सेक्रेटरी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन मिल जाता है, पासवर्ड जिसमें पैटर्न वगैरह लगा सकते हैं और फेस लॉक का। यहाँ पे दोस्तों फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है तो यहाँ पे फटाक से सेट कर लेते हैं और दोस्तों देखते हैं फेस लॉक कितना फास्ट है। तो यहाँ पे फेस लॉक सेट कर दिया हूँ और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि फेस लॉक काम कर रहा है, ऊपर टिक हो जा रहा है, लेकिन दोस्तों स्वैप अप करना पड़ता है तो ये वाला सेटिंग से जाके ऑफ करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेंड्स उतना फास्ट नहीं है, लगभग है 10 out of 7 दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं अगर ये फ़ोन आपको अगर ख़रीदना है तो ये फ़ोन दोस्तों आपको दो वेरिएंट में मिल जाएगा, 4GB RAM 64GB वाला स्टोरेज जिसका प्राइस है 8,299 और 4GB RAM 128GB स्टोरेज जिसका 9,299। तो फ्रेंड्स बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे बाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आपको नहीं हुआ तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। और दोस्तों आपको ये Redmi 9i आपको अगर परचेस करना है तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों आप इसे परचेस कर सकते हैं और सोशल मीडिया के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप अगर चाहते तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।